सारे पाप धोता हूँ यहीं। मल मल के धोए जाएंगे पाप। तो यार दोस्तों, एक और ब्रह्म कमल मुझे मिल चुका है। ये देखो, तो ये भाई बहुत ही पवित्र पुष्प माना जाता है। ये गाजी हो कंदन का पूजल हो। ये एक और मिल गया, जय हो। ये तो काफी फूल मिल रहे हैं हमें धीरे धीरे। और अगर इस पूरी घाटी की बात करें ना भाई, पूरा ब्रह्म कमल से भरा हुआ है। ये का मिल गया पूरे ठुल्लावाल। यहाँ ब्रह्म कमल के बीज तो बहुत हैं, लेकिन फूल अंकुरित नहीं हुए हैं। वहाँ जो दिख रहे हैं ना, वो नीचे फूल पूरे धूप है। ये वो धूप है, वो छिप जो जिसको हम गंदराणी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तो रोपिंग क्लाइंबिंग है, जाएगी था। बहुत मुश्किल है नीचे तो। गोकुल धूप है। इस तरीके का दिखता है, काफी खूबसूरत फूल भी है और देवी देवताओं को खुशबू के लिए भी और बहुत। ये मासी हुआ है। ये देखो मासी का फूल, नाम सुना होगा ना आपने। तो ये है वो धूप भाई। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरुड़वाल देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो यार दोस्तों, आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है नंदा कुंड से 3 किलोमीटर पीछे राली बिनाव से। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल का हमारा सफ़र पहुँचा था ठालाठोक, और कल रात ही हम निकल चुके थे। 1:36 में निकले और रात को, और रातों रात सफ़र करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं 8 बजे के आसपास नंदा कुंड के जस्ट सामने पहुँचे हैं। थोड़ी देर बाद हम नंदा कुंड पहुँच जाएंगे। और रात भर ना भाई कंटिन्यू बारिश थी खतरनाक तरीके से, और हम ब्लॉग भी नहीं बना पाए, ठीक है। और ये देखो हमारे बहादुर जाबाज सैनिक हैं, काफ़ी लोग आए हैं, कुछ पीछे हैं, आधे बंदे थक के पीछे ही रह गए हैं, उनको भेज दिया गया है घर, और कुछ ऊपर जा रहे हैं। और एक चीज़ ये बता दूँ ना भाई, नंदा कुंड की यात्रा में पापी लोग बिल्कुल नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। जो सच्चे दिल से आते हैं वही पहुँच पाते हैं, और पापी लोग यहाँ बिल्कुल पहुँचना उनके लिए दुश्वार हो जाता है। और इसके बाद हम नंदा कुंड में जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे। क्यों दाजू, नहाओगे? नहीं बिल्कुल नहाएंगे, ठंडे ठंडे पानी से। और यहाँ का पानी ना भाई, आप मतलब -25 डिग्री के आसपास लगा सकते हो, इतना ठंडा पानी होता है। और हमारे डांगर लोग ऊपर पहुँच चुके हैं और हम पीछे रह गए। तो अब आपको सीधे नंदा कुंड के दर्शन कराते भाई, जोर से बोलो। हमारे किदार दाजू, और ये हमें फूल ले जाने के लिए ले जाएंगे। पीछे से कुंदन दा आ रहे हैं, बुल दाजू आ रहे हैं, हर साल के रिकॉर्ड धारक हैं फूल लेने में। और इनके साथ आज हम भी लगाएंगे पछार, लगेंगे हम इनके पछार। तो इसके बाद नंदा कुंड में स्नान करने के बाद ना भाई, हम जाएंगे ब्रह्म कमल तोड़ने के लिए, जो कि उत्तराखंड का काफ़ी पवित्र पुष्प माना जाता है और राज्य पुष्प भी है हमारा। तो ठीक है, वही तोड़ने के लिए हम जाएंगे। अभी पता नहीं कहाँ जाना है हमने, नंदा कुंड ही नहीं पहुँचा अभी। ग्लेशियर वाला जून में दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुंड के जस्ट पास पे। और यहाँ पे सभी लोग जूते चप्पल उतारने के बाद यहाँ से नंगे पांव नंदा कुंड की ओर जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे। तो सब लगभग सभी ने अपने अपने जूते खोल दिए, अब मेरी बारी है, फिर इस रूट होते हुए नंदा कुंड की ओर जाएंगे। तो यार दोस्तों, कठोर पत्थरों के बाद मलमली घास में पांव रखने का ना भाई अलग ही आनंद है यहाँ। वाह,
तो यार दोस्तों ठीक सामने है कीजिए माँ नंदा कुंड के दर्शन और हम पहुँचने ही वाले हैं। तो सबसे पहले माता रानी के कुंड पे हम स्नान करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे भाई, ठीक है। तो ठीक सामने दिखाता हूँ आपको नंदा कुंड। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं नंदा कुंड पे और डूर ग्राम सभा के जो भी नंदा कुंड के यात्री थे वो घर को लौटने लगे हैं और अभी हम पहुँचे हैं। इसी बात राठी ग्राम सभा वाले भी हैं। हेलो सर, ये देखिए भाई, और ये रहा माँ नंदा देवी कुंड जो कि काफ़ी खूबसूरत है। पिछले बार जब हम आए थे ना उस साल इसमें पूरा पानी था, इस साल देखो भाई पूरा पानी सूख चुका है, बहुत ही कम पानी है इस बार। और तालाब में देखो सिक्के बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ये देखो पता नहीं कौन सी सदी के सिक्के भी हैं, सब मिलेंगे यहाँ। और ये गंगा स्नान चल रहा है नंदा कुंड पे, ये देखिए भाई। तो यार दोस्तों नंदा कुंड के कुंड में ना मुझे एक आना मिल रखा है जो कि बहुत ही प्राचीन पैसा है। ये देखो भाई काफ़ी पुराना पैसा देखने को मिला है मुझे, ये जय गंगा मैया। तो यहाँ बहुत सारे पुराने पैसे देखने को मिलेंगे और हमारे नहाते ही ये देखो बादल आ गए यार, कैसा बेइज्जती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी नहाएंगे। हर हर महादेव। अब देखो मैं कैसे नहाऊंगा, कैसे नहाएगा। जय माता दी, मजा यार, ग्रांड फोड़ ले। जय माता दी, जय माता दी। तो यार दोस्तों अभी हम हैं नंदा कुंड पे और अब बारी है नहाने की, फिर उसके बाद मंदिर परिसर का जो भी ये नंदा कुंड यात्रा है ना इसके चारों तरफ परिक्रमा की जाएगी, फिर पूजा पाठ करने के बाद आगे का सफर जो भी होगा वो सब किया जाएगा। तो लगाते हैं मस्त करके डुबकी। मैंने दबा दिया बंद, चल जा फिर। सारे पाप धोता हूँ यहीं। मल मल के धोए जाएंगे पाप। और को भी लगाता हूँ। ओम हरि ओम नमः। ऐसा नहीं होता ना। ओए तेरा कोई सिपाही ताल दे, सिपाही ताल, सिपाही ताल ही तेरे लिखा है। माँ से आ रहे अपन यार कौन है। ओए तो यार दोस्तों हमने नहा लिया है और मंदिर के जो भी आभूषण है ना ये भी नहला दिए हैं। और इन आभूषणों को यहाँ लाने का मतलब ये है ना, कहते हैं कि माता नंदा देवी को यहाँ से न्योता भेजा जाता है और फिर वहाँ जाके दावत वगैरह होके माता रानी की फिर विदा किया जाता है, कुछ इस तरीके की थ्योरी है। और इसके बाद हम जाएंगे आरती करते हुए उस एरिया पे और वहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर निकलेंगे आगे की ओर। तो यार दोस्तों कोई नहा रहे और कोई लग चुके हैं मंदिर के लिए रास्ता और भुकौर और झाझर की आवाज़ के साथ जा रहे हैं अभी हम। तो ये देखो भाई कुंड में जितने भी आते हैं ना भेंट स्वरूप यहाँ नंदा कुंड में चढ़ाया जाता है। और ये देखो तरह तरह के भांति भांति प्रकार के सिक्के यहाँ पाए जा रहे हैं। इधर देखिए, कहाँ इधर दिखाता हूँ, ये पांच का सिक्का है। ये देखिए आपको पता नहीं कौन सी, ये कौन सी सदी का है, ये धो ना एक बार। 25 पैसा है, दुखा मैं धोता हूँ एक बार। तो चाचा को पता नहीं बहुत पुराना सिक्का मिला है और यहाँ से ना भाई सिक्का वगैरह ले जाते नहीं है, पता है। ये किस्मत वालों को ही दिखता है। एक रुपया और ये पुराना एक रुपया, ये पांच पैसा। हाँ ये 5 पैसा है। सन कितने का है ये, 1968 इतना पुराना पैसा। अभी मेरे को एक आना मिला था, बोल रहा हूँ 1800 कुछ का। चलो तो धीरे धीरे से माता रानी का कुंड बादलों से घिरने लगा है भाई, ये देखो बहुत ही खूबसूरत। और हाँ यहाँ पापी लोग बिल्कुल नहीं पहुँच पाते हैं, जो पापी होगा ना रास्ते में ही थक जाएगा, क्यों चाचा, या फिर जिसके दिल में खोट हो। एक महीने पहले से नहा धो के खाना पड़ता है, साफ सफाई से तब जाके यहाँ आया जाता है। और सच्ची श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से, अगर सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तो आधे रास्ते में अटक जाएगा, आ ही नहीं पाएगा वो। तो यार दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता रानी के धाम पे और यहाँ पे की जाएगी माता रानी की परिक्रमा, उसके बाद गोदान वगैरह होंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। और जो भी यहाँ नए आते हैं ना भाई नंदा कुंड की यात्रा पे उनको झंडे, लाल और सफ़ेद झंडे और छोटा सा सोने का कण यहाँ चढ़ाया जाता है
कहते हैं कि जो भी नया आता है उसके लिए, उसके आने वाले जीवन के लिए सौभाग्य आता है, सौभाग्य देता है, धन दौलत देती है माता रानी, कुछ ऐसी और मान्यताएं हैं और इस तरीके से पूजा की जाती है भाई। और सबसे पहले हम माता रानी के परिक्रमा करेंगे भाई। और माता रानी का यहाँ पे भंडार भरा गया है भाई। और अगर चारों तरफ की नजारे की बात करें ना माता रानी के, तो काफी खूबसूरत सा दिख रहा है, अद्भुत और अलौकिक दृश्य है भाई यहाँ का। तो यार फाइनली टीका वगैरह लग चुका है, अब जा रहा हूँ मैं चाचा लोगों के साथ फूल तोड़ने के लिए। तो चलो चलो मामा जी, ठीक है ठीक है, मिलेंगे। तो चलो चलो ठीक है चाचा। तो यार दोस्तों अभी हम ब्रह्म कमल की तलाश में हैं और यहाँ देखो छोटे छोटे कलर के, अलग अलग कलर के काफ़ी फूल हैं। और कुंदन चाचा को तो ब्रह्म कमल मिल चुका है और केदारदा और मैं पैदल हैं अभी। देखते हैं धीरे धीरे, तलाश तो हम भी कर ही रहे हैं, तो दिख जाए बस तोड़ लेंगे हम भी प्रणाम वगैरह करने के बाद। तो तलाश जारी है अभी भी और काफ़ी ऊंचाई की चोटी में हैं हम अभी। ये देखो भाई चारों तरफ का नज़ारा देखो ना, तो अद्भुत सा है। चलो ब्रह्म कमल की तलाश पे। तो यार दोस्तों फाइनली मुझे मेरा ब्रह्म कमल मिल चुका है, पहला ब्रह्म कमल, और इसमें बस दो ही पत्तियां आई हैं, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ पूरा। क्यों ठीक हो रहा चाचा? जय हो भगवान। तो फाइनली मुझे एक मिल चुका है, अभी और ढूंढ रहे हैं। यहाँ ब्रह्म कमल के बीज तो बहुत हैं लेकिन फूल अंकुरित नहीं हुए हैं। तो यार दोस्तों एक और ब्रह्म कमल मुझे मिल चुका है, ये देखो। तो ये भाई बहुत ही पवित्र पुष्प माना जाता है। ये गाजी हो कंदन का पूछ लो, ये एक और मिल गया, जय हो। ये तो काफ़ी फूल मिल रहे हैं हमें धीरे धीरे। और अगर इस पूरी घाटी की बात करें ना भाई, पूरा ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल से भरा हुआ है। ये का मिल गया, मैं पूरी ठुल्ला वाल। तो यार दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना इतना भंडार है ना औषधियों का, तो ब्रह्म कमल तो एक औषधि है ही है, अमृत संजीवनी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार एक धूप है, इसका नाम दजिया नाम की यही वाल धूप होता है। ये वाल हाँ, ये मासी का फूल, हाँ मासी का फूल आपने गाना सुना होगा, ये वही मासी का फूल है भाई, जिसका धूप देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और दाजी ने तो पता नहीं कितना तोड़ दिया, थोड़ा हमने ले दिया यार। तो ये है धूप, और हम इन पहाड़ों में भाई इतनी औषधियाँ हैं जिनकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है यार। पता नहीं कितनी सारी औषधियाँ हैं, कितने ज़्यादा धूप हैं अलग अलग प्रकार के। कौन कौन से धूप होते हैं दाजी, बात नाम बताओ दे जोरेल। गोकुल हुआ, गोकुल और जो गोकुल धूप है वो जैसे हमारे छोटे जो घर के देवता होते हैं उनको नहीं चढ़ता है। हाँ हाँ, इसमें बहुत ज्यादा पावर ज्यादा वो होती है, शक्ति सहन नहीं कर पाते हैं, बोला शक्ति होती है। अच्छा अच्छा, जो बड़े बड़े धाम हैं उन पे चढ़ते हैं। अच्छा, तो गोकुल धूप की ये मानता है। तो भाई इतना ज्यादा और भी बहुत सारी औषधियां होकी वाल धूप है, गोकुल धूप भाई। हाँ ये एक बार जगह पे दिखाओ, तो आपको मैं गोकुल धूप भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। ठीक है, तो ये है भाई गोकुल धूप, इस तरीके का दिखता है, काफी खूबसूरत फूल भी है और देवी देवताओं को खुशबू के लिए भी बहुत। ये मासी हुआ है, हाँ ये देखो मासी का फूल, नाम सुना होगा ना आपने। तो ये है वो धूप भाई। तो दाजी ने काफी खट्टा कर दिया, फूल भी धूप भी। चली है दाजी आपकी तो रेलगाड़ी? रेलगाड़ी रोज ही चल रही है 10-15 साल से। चलो ठीक, हमेशा वहां से हम यात्रा के लिए आते हैं ना, धूप चढ़ा रोज उन्होंने जब भी आते हो यहाँ। हाँ हाँ,
चलो ठीक, चलो अब हम भी खोजें। आज अकेले रह गया नहीं तो, इसलिए वहाँ जो चट्टान है ना ये, अच्छा इन चट्टानों में यहाँ मिलता है आपको, एक एक ही जगह जाओगे तो वहीं धूप है, धूप धूप है। चलो ठीक। तो यार दोस्तों गोकुल धूप मुझे भी मिल चुका है। ये देखो थोड़े बहुत पत्तियां तोड़ लेता हूँ मैं भी, क्यों गुंदा का। ये देखो ये गोकुल धूप, ये है धूप झाड़ है हरी उड़ो भी मेरे बीती। तो यार दोस्तों दाजू के साथ आगे ना कुछ चीज़ तो सीखने को मिला। दो धूपों के नाम आज मैंने जाने, गोकुल और मासी। गोकुल के फूल मतलब धूप तो इतना ज़्यादा मैंने तोड़ दिया है, और पता है इसको मतलब धूप मतलब धूप में सुखाने के बाद घी में अगर मिक्स करके रखे मतलब कोयले में रखे ना भाई, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना। और इसको जलाने से मतलब अगर आप इसको घर में दिया बत्ती के टाइम में अगर इसको लग जलाते हो ना, तो घर में भूत प्रेत का साया भी आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सब चीज़ दूर हो जाएगा। तो इतनी पावरफुल जड़ी होती है ये, एक टाइप से औषधि हुई, लेकिन हम पहाड़ों में इसको धूप बोलते हैं। धूप और ब्रह्म कमल की खोज पे ना भाई अभी हम एक खूबसूरत से लोकेशन में आ गए हैं। ये देखो उस चट्टान से हम नीचे उतरे थे ऐसे करके, यहाँ पर इतना मस्त बुग्याल है भाई, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ पर से देखो एक ऐसे नाखूनि की तरह का एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी की चोटी में जाके दिखाता हूँ। वहाँ पर ऊपर पे एक मामा जी हैं जिन्होंने हमें धूप के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी, और देवी देवताओं के बारे में भी बताया कि कौन से देवता एक्सेप्ट करते हैं कौन से देवता नहीं करके। और ये देखो भाई काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन है यार यहाँ। तो मामा को यहाँ भी दिख गया, वहाँ जो दिख रहे हैं ना वो नीचे फूल पूरे धूप है, ये वो धूप है वो छिप जो जिसको हम गंदराणी बोलते हैं। अच्छा अच्छा बड़े टॉप जगह यहाँ तो रोपिंग क्लाइंबिंग जाएगी ना। तो यार दोस्तों धूप और फूल की तलाश में हम काफ़ी दूर आ गए और रास्ते में, और यहाँ पर देखो मामा ने काफ़ी खूबसूरती के साथ डोका भी सजा दिया है, फूल ब्रह्म कमल चोर पूछ की गाय नहीं चोर गाय की पूछ और धूप से। चलो ठीक से मामा धन्यवाद धूप के लिए बारे में बताने के लिए, अब मिलते हैं अगले मुलाकात करते हैं फिर हैं कभी। ओके मामा भाई, चलो मामा के भी लोग आ गए हैं ना तो जा रहे हैं। अब हम कितने बजे जाएंगे दाजू चाचा? चलते हैं अभी थोड़ी देर में अपने, तब तक फूल लेने ढूंढ देना तुम लोग। चलो तब तक हम एक नए ट्रिप पे जाते हैं जहाँ हमें फूल मिल सके। तो यार दोस्तों फूल वगैरह तोड़ते तोड़ते हम पहुँच गए हैं मेन रास्ते पे। तो दाजू लोगों ने बोला चलो क्यों ना आगे बढ़ा जाए और जो आगे नौमोरा घांगो है ना वहाँ से फूल तोड़ा जाए, क्यों सर? हाँ, तो अब हम वहीं जाने वाले हैं। और रास्ते भर आते टाइम ना भाई रात था और बारिश थी, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाया। अब जाते टाइम वो सारे जो भी स्पॉट है ना खूबसूरत खूबसूरत से वो आपको दिखाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। और मैं बता दूँ कि नौमोरा घांगो को नौमोरा घांगो क्यों कहते हैं? कहते हैं कि हमारे दादाजी लोग बताते ना बहुत साल पहले राठी गांव के 9 लोग एक साथ वहाँ घांगों में छिर के मर गए, इसलिए उसको नौमोरा घांगो कहते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तसा है क्या? हाँ इसी है। हाँ तो कुछ इस तरीके की कहानियाँ भी हैं भाई। तो यहाँ भाई काफ़ी सारी मतलब बातें हैं जो हम जानते नहीं हैं पहचानते नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं यहाँ हम जानते नहीं हैं भाई। जैसे कि आज हमने गोकुल और क्या था दूसरा दाजू मासी, ये दो धूप के नाम जाने और पहचाने भी, और हमने लेके भी आए थोड़ा थोड़ा, और काफ़ी अच्छा लगा। उन दाजू का भी मामा का भी बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे को चलते हैं और आगे के प्यारे प्यारे नज़ारे आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं भाई। तो यार देखो दाजू लोग कितने डुबके भर भर के ले गए, लेकिन हमें एक भी फूल नहीं मिला। ये देखो फूल फूल हन गुड यार, एक एक फूल दी जाओ। अरे ये हटो कंजड़ आदिम भाई यार, ये कहाँ खाया था मुझे राठी ने? वो तो तू ही है वो। चलो ठीक से। तो यार दोस्तों हम फिर से चाचा और केदारदा और मैं गए नौमोरा घांगों में, मुझे इतने सारे फिर से फूल और मिल चुके हैं, और अभी नीचे भी ढूंढ रहे, दाजी उधर ढूंढ रहे, चाचा नीचे ढूंढ रहे, तो हम चलता हूँ आगे को और फिलहाल। तो दाजी को यहाँ पे एक फूल मिल चुका है और हाथ जोड़ के तोड़ेंगे दाजी फूल। वाह यार बहुत बहुत बधाई आपको इतना तरोताज़ा फूल मिलने के लिए। चलो तो यार दोस्तों फूल वगैरह हम सब तोड़ के ले गए आ गए हैं जितने भी मिले, और इस फूल की सुगंध से ना भाई बहुत ही ज़्यादा सर घूम रहा है, और हमने हाथ धो लिए फिर भी फूल की खुशबू आ रही है, धूप की खुशबू आ रही है, और गला भी सूख गया है खुशबू से। और यहाँ पर हम पानी पी रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा धारा मिला है हमें, तो पानी पी के यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी हो रहा है।
भीग जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्यों मेला भी देखना है अभी। तो फटाफट पानी पीते फिर निकलते हैं यार भाई यहाँ से। तो यार दोस्तों अभी हम उन रास्तों में पहुँचे हैं ना जो हमने कल रात को तय किया था, और यार चारों तरफ बादल ही बादल, धुंध ही धुंध है ना भाई, तो मैं आपको क्लियर कट नहीं दिखा पा रहा हूँ। और मेरे आगे से चल रहे हैं दाजी और चाचा जो कि मेरे साथ आए हुए थे फूल तोड़ने के लिए, और काफ़ी सही ट्रैक रहा दाजी लोगों के साथ, मज़ा आ गया। अब यहाँ से थाला ठोक लगभग 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होगा ना, 5-6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर का सफर और तय करना है भाई। तो यार दोस्तों फाइनली बिरथी के जितने भी फूल लेने के लिए गए थे ना वो सभी आ चुके हैं। ये देखो ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे आपको। यह आगे पीछे चारों तरफ पीछे भी आ रहे हैं ब्रह्म कमल। वाह है। तो सुबह सुबह का नज़ारा है और थाला ठोक से हमारी यात्रा अब जाएगी घर को। और कल रात को हमारे टेंट यहाँ पे लगे हुए थे और यहाँ पे रुके थे बाकी कुंडे के यात्री। तो अब धीरे धीरे सभी अपना सामान क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे घर की ओर। मजा आया चलो, रात को ठंडा हो गया भाई। अच्छा गौरव कैसा रहा? मजा आया चलो। अरे तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है और नीचे देखो बादल काफी खूबसूरत से लग रहे हैं। चलो अब सामान वगैरह पैक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों फाइनली अपनी यात्रा निकल चुकी है यहाँ से,